सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ी। फर्स्ट चैप्टर है इसका डेवलपमेंट, यानी मतलब विकास क्या होता है। डेवलपमेंट उसको कहेंगे जब हमारे पूरे समाज समुदाय यानी हर तबके का विकास हो, इस रूप में वो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और सबकी आमदनी इनकम लेवल बेटर हो, अच्छा हो, तभी क्या कहेंगे उस देश का विकास। लेकिन हम यहाँ एक बात का इसको देख लेंगे, डेवलपमेंट आपके हर व्यक्ति की डेवलपमेंट के बारे में सोच अलग अलग है, सबकी महत्वाकांक्षा अलग अलग है, सबके अनुसार उसकी सोच भी अलग अलग है। ऐसा एग्जाम्पल का हम ले सकते हैं, गांव देहातों में देखें तो वैसे मजदूर जो जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या सोचेंगे, उनके लिए उनकी डेवलपमेंट उनकी महत्वाकांक्षा क्या होगी, उनकी महत्वाकांक्षा होगी कि उनको रोज काम करने का अवसर मिले, साथ ही साथ अच्छी उनको मजदूरी मिले, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, उनकी एक गोल होगा। अगर हम वैसे किसान कहते हैं जो जिसके पास जमीन ज्यादा है उसकी इच्छा होगी कि उसकी ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा उसको फसल का अच्छा अनाज जो अनाज है उसका ज्यादा अच्छे रेट मिले उसको, साथ ही साथ उसको चीप रेट में मजदूर मिल जाए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उसी तरह अगर एग्जाम्पल ग्रुप में हम ले सकते हैं, अगर सारी क्षेत्र में अगर देखें तो वैसे व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है उसकी गोल क्या होगा, महत्वाकांक्षा उसे क्या होगा, इंस्पिरेशन उसकी इंस्पिरेशन होगी उसको अच्छा कहीं एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल जाए उसको, साथ ही साथ उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो, अच्छे इन्वायरमेंट में उसको काम करना पड़े। तो देखिए सबका हम एग्जाम्पल से दिए, इस अनुसार सबकी डेवलपमेंट उस अनुसार सबका अलग गोल अलग अलग है, इसको उदाहरण हम देखेंगे। उसी तरह अगर हम देखें अगर इंडस्ट्रीज लोग जो उद्योगपति हैं उनकी इच्छा होगी उनको उनके कारखाने चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, उसके लिए वो बड़े बड़े डैम बनाए जाए। अगर बड़े डैम बनाए जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो पानी जमा होता है उससे बहुत सारे क्षेत्र पानी में अंदर डूब जाते हैं, तो वैसे क्षेत्र जहां पर मान लो बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं वो तो अपने घर हो जाएंगे, तो उनके लिए आदिवासी समुदाय के लिए डेवलपमेंट रोल क्या होगा, उद्योगपतियों के लिए होगा। जो भी आदिवासी समुदाय है जो पिछड़ा समुदाय है उसकी डेवलपमेंट गोल होगा कि नदियों को छोटे छोटे बांध बनाए जाए ताकि उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। तो देखते हैं कि हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है और उसके लिए डेवलपमेंट का गोल भी अलग अलग है। आगे हम देख लेते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम बेटर इनकम तो हो ही, साथ ही साथ हमारी और क्या इच्छा होती है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, अच्छे वातावरण में हम काम करने के मिले और हमें रेस्पेक्ट मिले, हमारा शोषण नहीं हो, ये हमारा अगल हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट को क्या किसको क्या कहें। आखिर हम इसके आधार पर हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऊपर में देख दिए, उसके आधार पर देखें तो हर व्यक्ति डेवलपमेंट गोल अलग अलग है। सब कोई कुछ गोल रखे हुए, कोई कुछ गोल रखे हुए। एक मजदूर के रूप में हमने देखा उसको जो उसको रोज काम मिले, अच्छी मजदूरी मिल जाए, उसके लिए डेवलपमेंट गोल वो उसी अगर उतना हो जाता है वो अपने वही उसको विकास है। तो हर व्यक्ति का इसमें देखें तो एक दूसरे के विचार में परस्पर विरोध है, यानी हर व्यक्ति की डेवलपमेंट गोल और सोच अलग अलग है। इस तरह हमने देखे एक राष्ट्र का विकास जो भी है अलग अलग लोगों के लिए अलग सोच हो सकती है, एक समान नहीं हो सकती। इस तरह हमने देखे कि अगले पॉइंट में हम आते हैं, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे देश है उसके बीच हम तुलना करना है या राज्यों के बीच तुलना करना है, तो हम तुलना कर ये हम कहते हैं कुछ जिसे कहते हैं कुछ देश डेवलप है, कुछ देशों को कहते हैं अंडर डेवलप है, अब अर्धविकसित विकासशील उसको बोलते हैं, तो किस आधार पर उसको हम देखेंगे। जिसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम देख लें, अगर हम अपने क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लास बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अलग अलग विशेषता है, किसकी हाइट ज्यादा है, कोई ज्यादा हेल्दी है, कोई पढ़ने में ज्यादा तेज है, तो हम पर निर्भर करता है किस काम के लिए उन बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं, उनकी विशेषता उसके आधार पर हम लेंगे, उसके आधार पर उसका हम सिलेक्शन करेंगे। उसी तरह हम किसी भी देश में देखते हैं किसी व्यक्ति विशेष का, अगर पूरे देश में देखते हैं विशेष का उसमें देखते हैं कौन कौन से गुण उसमें है, तो बहुत सारे गुण को क्या करते हैं तुलना करने के लिए उस व्यक्ति में जो भी विशेषताएं हैं उसके
ज्यादा विशेषताओं को एक साथ लेकर के दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं, उसी तरह हम देश के अर्थ को ले सकते हैं। बहुत सारे किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट भी ठीक किसी का आधार देखा जाता है। अगर हम किसी देश के डेवलपमेंट के रूप में उसका तुलना करते हैं तो पहला उसका लेते हैं इनकम, देखते हैं कि उस देश के लोगों की इनकम क्या है, आय कितनी, आमदनी कितनी, उसके आधार पर हम लोगों तुलना करना चाहते हैं, एक विशेषता के रूप में ले लेते हैं। अगर इसके आधार में देखते हैं जिस देश में जिन लोगों की जिस देश के लोगों की इनकम ज्यादा है उसको डेवलप्ड कहते हैं, और जो जिनकी इनकम लेवल कम है उसको अंडर डेवलप्ड कहते हैं वैसे देशों। तो इस तरह हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का जो पैमाना जो है हर देश के आधार पर अंतर हो जाता है, लोगों की सोच में अंतर हो जाता है, ये सारे बदलाव में दिखाई पड़ते हैं। थैंक यू।